वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेवीर मैथमेटिक्स क्लासेस। प्यारे बच्चों, लास्ट वीडियोस के अंदर हमने मैट्रिक्स एंड देयर टाइप्स और वेरियस टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में हमने स्टडी किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि दो मैट्रिक्स जब दी होती है तो उनकी एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लीकेशन कैसे होगी। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन के बारे में, एडिशन के बारे में और सब्ट्रैक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। देखते हैं भाई कैसे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जाता है, ऐड किया जाता है और सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो सबसे पहले एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, सबसे पहले टॉपिक आता है भाई हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स को कैसे ऐड किया जाता है भाई। सबसे पहले मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए कंडीशन है, ए मैट्रिक्स मान लेते हैं 1, 2, 3, 4 और कोई बी मैट्रिक्स है वो है 3, 4, 5 और 6। मैट्रिक्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले कंडीशन है दे आर बोथ मैट्रिक्स आर ऑफ सेम ऑर्डर। दोनों की दोनों मैट्रिक्स जिनको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है दोनों एक ही ऑर्डर की होनी चाहिए भाई, तभी मैट्रिक्स क्या हो सकती है ऐड और सब्ट्रैक्ट। क्या हो सकती है ऐड और सब्ट्रैक्ट, कैसे ऐड होगी भाई। मान लेते हैं मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी के अंदर ऐड करेंगे तो यहाँ पर मैट्रिक्स ए लिखते हैं 1, 2, 3, 4 प्लस यहाँ पर मैट्रिक्स बी लिखते हैं 3, 4, 5, 6। ऐड करने का तरीका क्या रहेगा, फर्स्ट एलिमेंट के अंदर ऐड होगा 1 प्लस 3, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के अंदर 2 प्लस 4, यहाँ वाला इसके अंदर 3 प्लस 5 और 4 प्लस 6। तो क्या हो जाएगा भी 1 और 3, 4, 6, 8 और 10, ये होती है भी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। क्या होती है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। इसके बाद सब्ट्रैक्शन या डिफरेंस बिटवीन टू मैट्रिक्स, तो हमें फाइंड आउट करना, मान लेते हैं ए माइनस बी 1, 2, 3, 4 माइनस 3, 4, 5, 6। तो सबसे पहले हम 1, 2, 3, 4 इस माइनस को खत्म करते हैं, माइनस को लिख देते हैं क्या प्लस और ये माइनस अंदर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा -3, -4, -5, -6। इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको कैसे होता है -3, -4, -5, -6। हर एक एलिमेंट के साथ जो बाहर कॉन्स्टेंट लिखा होता है वो प्रत्येक एलिमेंट के साथ क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है। अब देखिए दोनों के बीच में प्लस का साइन है, इनको ऐड कैसे करेंगे 1 -3, 2 -4, 3 -5 एंड 4 -6। तो क्या हो जाएगा -2, -2, -2 और -2। क्या हो जाएगा भी 1 -3, -2, 2 -4 और 3 -5 और 4 -6। ये कैसे किया अभी मैंने, माइनस के प्लेस पर यहाँ प्लस कैसे कर दिया। एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स के अंदर आता है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स के अंदर आता है कि कोई भी स्केलर मल्टीप्लीकेशन अगर किसी मैट्रिक्स के बाहर लिखा हो तो वो स्केलर प्रत्येक एलिमेंट के साथ क्या हो जाता है मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसको ऐसे लिखा जाता है के ए, के बी, के सी और के डी। इसी तरह माइनस भी एक स्केलर था तो इसकी जगह मैंने प्लेस पर माइनस प्लस कर दिया और इस माइनस को हम अंदर क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये थी मैट्रिक्स की एडिशन और ये क्या थी आपकी सब्ट्रैक्शन यानी डिफरेंस बिटवीन टू मैट्रिक्स। इसके बाद पढ़ते हैं भाई मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। देखिए भाई मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या है, मान लेता हूं मैं ए मैट्रिक्स को मेरे को बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना है, कोई ए मैट्रिक्स है उसको बी से क्या करना है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई के अंदर कंडीशन है कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स नंबर ऑफ कॉलम ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू होना चाहिए नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स,
पहली मैट्रिक्स के जो कॉलमों की संख्या है वो सेकंड मैट्रिक्स के रो की संख्या के इक्वल होनी चाहिए, तभी किसी भी मैट्रिक्स की जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या होगी, पॉसिबल। मान लेता हूं, मैं कहता हूं कि ए कोई भी मैट्रिक्स है भी वो 2×3 ऑर्डर की है, और बी कोई मैट्रिक्स है वो 3×4 ऑर्डर की है, 3×4 ऑर्डर की। तो पहली मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स के रो इक्वल है, तो हम फाइंड कर सकते हैं ए बी, क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, ए बी। बट इसी मैट्रिक्स के अंदर हम बी ए फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर बी यहाँ पर फर्स्ट मैट्रिक्स होगी और ए क्या होगी, सेकंड मैट्रिक्स। तो बी मैट्रिक्स के कॉलम कितने हैं हमारे, 4, और सेकंड के क्या है, रो 2, तो बी ए पॉसिबल नहीं होगी। इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स ए बी नॉट इक्वल टू बी ए ऑलवेज, जरूरी नहीं है कि जो ए बी की वैल्यू है वो बी ए के इक्वल हो जाए इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। एक एग्जांपल लेते हैं, हम कैसे करते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। मान लेते हैं भाई फर्स्ट मैट्रिक्स ए, ए बी सी और डी, सेकंड मैट्रिक्स जो बी है उसकी वैल्यू है ई एफ जी और एच, ई एफ जी और एच। तो हमें ए भी फाइंड आउट करना चाहिए। देखिए पहली मैट्रिक्स के, तो फर्स्ट मैट्रिक्स को लिखते हैं ए बी सी डी, सेकंड मैट्रिक्स को लिखते हैं ई एफ जी एच। मल्टीप्लीकेशन ऐसे होगी भाई, ऐसे वो कैसे होगी, देखिए इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए ई प्लस का साइन, ए ई प्लस बी जी प्लस बी जी, ए ई प्लस बी जी फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ, ए ई प्लस बी जी फर्स्ट रो की बात हो रही है अभी, ए ई प्लस बी जी, फिर ए एफ, ए एफ प्लस बी एच प्लस बी एच, फर्स्ट रो की दोनों कॉलमों के साथ मल्टीप्लाई होगी, अभी तो हमारा फर्स्ट रो बन गया, ए ई प्लस बी जी ए एफ प्लस बी एच, यानी ये ऐसे चलेगा भाई और यहां पर ऐसे चलेगा। अब सेकेंड रो की टर्न है भाई, तो कैसे लिखेंगे, सी ई प्लस डी जी, सी ई प्लस डी जी, अब सी एफ प्लस डी एच, क्या होगा, सी एफ प्लस डी एच। देखिए भाई मैंने फर्स्ट रो की से स्टार्टिंग की, ए ई प्लस बी जी, ये एलिमेंट बन गया हमारा। अब सेकंड रो कॉलम के साथ करेंगे फर्स्ट रो की, ए एफ प्लस बी एच, ए एफ प्लस बी एच, ऐसे सी ई प्लस डी जी, सी ई प्लस डी जी, और सी एफ प्लस डी एच, ऐसे हम दो मैट्रिक्स की क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, ए मान लेते हैं ये अभी 1, 2, 3, 4, और बी की वैल्यू लिख लेते हैं 4, 5, 6, 7। तो ए भी क्या होगा, अभी पहले ए की वैल्यू 1, 2, 3, 4 और बी की वैल्यू है 4, 5, 6, 7। 1, 4 जा 4 प्लस 2, 6 जा 12, 1 की 5 के साथ 5, 2 की 7 के साथ 14, 3 की 4 के साथ 12 प्लस 4 की 6 के साथ 24, 3 की 5 के साथ 15 प्लस 4 की 7 के साथ 28, तो लिखा जाएगा भाई 16, 19, और ये लिखा जाएगा 36, और ये 8 और 5, 13, 2 और 1, 3 और 1, 4, ए बी की वैल्यू आएगी। मान लेते हैं हम बी ए और फाइंड आउट कर लेते हैं इसमें, बी ए पहले बी मैट्रिक्स लिखेंगे 4, 5, 6, 7 और फिर ए लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 4 प्लस 15, 8 प्लस 5, 4 जा 20, 6 प्लस 21, 12 प्लस 28 19
28, 27 और 8 और 2 10 2 और 3 और 4। देखिए भी दोनों को AB की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू क्या है BA, AB की वैल्यू BA के इक्वल नहीं है, यानी इन केस ऑफ मैट्रिक्स कॉम्यूटेटिव लॉ आर नॉट सेटिस्फाई, मल्टीप्लीकेशन इन कॉम्यूटेटिव वो लॉ सेटिस्फाई नहीं करेगा। ये थी वे मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। हमने सेकंड ऑर्डर की मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। मैंने आपको कंडीशन बताई थी भी पहली मैट्रिक्स के जो कॉलम है वो दूसरी मैट्रिक्स के रोज के इक्वल होने चाहिए। एक तीन ऑर्डर की मैट्रिक्स लेते हैं, मान लेते हैं ए की वैल्यू लेते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, दूसरी मैट्रिक्स लेते हैं F G H I J K L M N, A भी फाइंड आउट करते हैं, प्रोसीजर वही रहेगा A B C D E F G H I F G H I J K L M N। देखिए भी A F प्लस B I प्लस सी एल, ये फर्स्ट एलिमेंट लिखा गया भाई, फर्स्ट रो जो फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो फर्स्ट एलिमेंट। अभी रो की टर्म बाकी रहती है सेकंड कॉलम के साथ ए जी ए जी बी जे प्लस सी एम, सेकंड रो के साथ हो गया, अभी सेकंड कॉलम के साथ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ हो गया, फर्स्ट रो की थर्ड कॉलम के साथ करते हैं ए एच बी के और सी एन, ये एलिमेंट देखिए। अब देखिए डी एफ ई आई एफ एल डी जी ई जे एफ एम डी जी, सेकेंड रो की टर्न आती है इसके साथ डी जी ई जे एफ एम, अब ये सेकेंड रो है वो थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा डी एच ई के प्लस एफ एन, सेकेंड रो कंप्लीट हो गया भाई हमारा। अब थर्ड रो देखते हैं जी एफ एच आई आई एल, फर्स्ट एलिमेंट लिखा गया, अब सेकंड लिखते हैं जी स्क्वेयर प्लस एच जे प्लस आई एम, सेकंड रो के साथ कॉलम के साथ हो गया अभी, थर्ड देखते हैं जी एच प्लस एच के प्लस आई एन, ऐसे हम थर्ड ऑर्डर की मैट्रिक्स लिख सकते हैं। तो हम कुछ क्वेश्चन करते हैं अभी, क्वेश्चन में देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आता है एक्सरसाइज 3.2 का, एक्सरसाइज 3.2 फर्स्ट क्वेश्चन फाइंड कीजिए ए मैट्रिक्स दी हुई है अभी हमें 2 4, फर्स्ट रो है 2 4 3 2 3 2, एक बी मैट्रिक्स दी हुई है हमें 1 3 -2 5 -2, तो ये कह रहे हैं फाइंड आउट कीजिए ए प्लस बी, क्या फाइंड आउट कीजिए ए प्लस बी। तो पहले ए की वैल्यू लिख लेते हैं 2 4 3 2 प्लस बी की वैल्यू क्या है 1 3 -2 5, लिखते हैं भाई 2 प्लस 1 4 प्लस 3 3 -2 और 2 प्लस 5, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के अंदर ये एलिमेंट इसके अंदर, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे भाई 3 7 1 और 7, ये हमारा क्या आएगा ए प्लस बी, मैट्रिक्स ए प्लस मैट्रिक्स बी। नेक्स्ट थर्ड करते हैं हम, ये कहते हैं अभी फाइंड आउट कीजिए एक सी मैट्रिक्स और दे दी इसके साथ, इन्होंने सी मैट्रिक्स दी है -2 5, फर्स्ट रो है -2 5, सेकंड रो दिया हुआ है इसके अंदर 3 4, थ्री
3.4। क्या कह रहे हैं भाई, ये कहता है 3a-c फाइंड आउट कीजिए, 3a-c। तो a के साथ स्केलर मल्टीप्लीकेशन मल्टीपल लिखा हुआ अभी, तो पहले 3 को a के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, 2, 4, 3, 6, 2, 4, 3, 2। माइनस का साइन है, यहाँ पर c लिख दीजिए, -2, 5, 3 और 4। यहाँ भी स्केलर मल्टीप्लाई है और यहाँ भी स्केलर मल्टीप्लाई, तो अंदर लेके जाते हैं पहले, 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9 और 3 2 6। माइनस की प्लेस पर प्लस हो जाएगा और ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस को प्लस, 5 -3 और 4 को भी क्या करेगा, नेगेटिव। अब एडिशन करते हैं, 6 + 2, 12 - 5, 9 - 3 और 6 - 4, तो ये हो जाएगा 8, 7, 6 और 2, 8, 7, 6 और 2। तो हमें ऐसे इनको सॉल्व करना है। फोर्थ और फिफ्थ आप खुद करोगे भाई, फोर्थ क्वेश्चन में ए भी फाइंड आउट करना है और फिफ्थ के अंदर बी ए फाइंड आउट करना है शायद। हाँ जी, फिफ्थ के अंदर, फोर्थ के अंदर ए बी और फिफ्थ के अंदर बी ए, मैंने आपको मल्टीप्लीकेशन सिखाई हुई है। नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड का फोर्थ पार्ट, बाकी एज इट इज रहेंगे, एडिशन करनी है तो आपने ऐड कर देना है। सेकंड का फोर्थ पार्ट क्या दिया हुआ भाई, फोर्थ पार्ट के अंदर कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, फर्स्ट रो साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, फर्स्ट रो है साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। क्या करेंगे अभी हम, फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यहां भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ये भी साइन स्क्वायर एक्स प्लस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। ये क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1, 1, 1 और 1, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ये क्या आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट करते हैं भाई थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या कहते हैं, ए बी माइनस बी ए, फर्स्ट रो है ए बी माइनस बी ए, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है भी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, बी और ए, कंप्यूट द प्रोडक्ट। क्या कह रहे हैं, कंप्यूट द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट कीजिए आप, मल्टी का साइन ए के की प्रोडक्ट ए के साथ ए स्क्वायर, प्लस का साइन बी की, बी के साथ बी का स्क्वायर, तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ आ जाती है तो फर्स्ट एलिमेंट लिखा जाता है। देखिए भी ए की प्रोडक्ट माइनस बी के साथ तो माइनस ए बी, बी की ए के साथ प्लस बी, माइनस बी की ए के साथ माइनस ए बी, प्लस ए की बी के साथ ए बी, माइनस बी के साथ बी स्क्वायर और ए की ए के साथ ए का स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे भाई, तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 0, 0 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या जाता है हमारा आंसर। नेक्स्ट करते हैं सेकेंड क्वेश्चन, थर्ड का सेकंड क्वेश्चन, 1, 2, 3 फर्स्ट मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स दी हुई है 1, 2, 3 और सेकंड मैट्रिक्स दी हुई है 2, 3, 4, 2, 3, 4। मैंने बताया था भी आपको कि दो मैट्रिक्सों की मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो क्या हो इक्वल। देखिए अभी फर्स्ट मैट्रिक्स का एक कॉलम है और सेकंड मैट्रिक्स का एक रो है तो मल्टीप्लीकेशन क्या है पॉसिबल। और एक बात और भी, ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स है, देखिए ये 3×1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3×1 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 3 रो है इसके अंदर और एक क्या है कॉलम, और ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की है अभी 1×3। तो कंडीशन क्या है, फर्स्ट का कॉलम और सेकेंड का रो इक्वल होना चाहिए मल्टीप्लीकेशन के लिए, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। जो फर्दर मैट्रिक्स आएगी यानी इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी वो किस ऑर्डर की आएगी, वो आएगी भाई पहली मैट्रिक्स का रो देखते हैं हम 3 है
और दूसरी का उस केस में कॉलम देखते हैं वो किस ऑर्डर की आएगी, 3x3 ऑर्डर की आएगी। जो मल्टीप्लीकेशन करने के बाद मैट्रिक्स आएगी वो फर्स्ट का रो देखते हैं उसके लिए और सेकंड का कॉलम वो किस ऑर्डर की आएगी, 3x3 ऑर्डर की आएगी। और मल्टीप्लीकेशन के लिए कंडीशन है पहले का कॉलम और दूसरी का रो क्या होना चाहिए, इक्वल, तो मल्टीप्लीकेशन क्या है, पॉसिबल। देखिए भाई कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, हम इसको कैसे करते हैं, देखिए मैंने आपको बताया था भाई फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए फर्स्ट रो 1 है, फर्स्ट कॉलम क्या है 2, 1 2 या 2 प्लस में लिखने के लिए तो कोई एलिमेंट है नहीं इसके नीचे मल्टीप्लाई करने के लिए, ना ही इसके आगे कोई है। अब 1 की किसके साथ, 3 के साथ 3, 1 की किसके साथ, 4 के साथ। तो जो फर्स्ट रो है मैंने उसकी सभी कॉलमों के साथ मल्टीप्लाई की तो तीनों के तीनों एलिमेंट लिखे जा चुके हैं। अब सेकंड रो की करता हूं मैं, ये सेकंड रो है 2 की 2 के साथ 4, आगे कोई एलिमेंट नहीं है नीचे, 2 की 3 के साथ 6, 2 की 4 के साथ 8, 2 की 4 के साथ 8। अब थर्ड रो की करते हैं, थर्ड एलिमेंट की, थर्ड रो की कॉलम के साथ करते हैं अभी, फर्स्ट कॉलम के साथ 3 2 6, सेकंड कॉलम के साथ 3 3 9 और 3 4 12। तो ये क्या है भी 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आ चुकी है हमारे पास। लेते हैं फर्स्ट रो, मान लेते हैं कुछ ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, 1 के आगे मान लेते हैं 0 0 है, 2 के आगे भी 0 0 है, 3 के आगे भी 0 0 है, कुछ ऐसा एज्यूम कर लेते हैं एक बार हम, तो आपको क्लियरिटी हो जाएगी। इसके आगे 0 0 है, देखना अभी, अब 1 2 2 0 और 0 तो लिखा जाएगा, 1 3 3 0 और 0 ऐसे कर लेना अभी आपको, आपने ये मल्टीप्लाई। तो जो बाकी क्वेश्चन है वो आप खुद ट्राई कर लेने अभी आपने, फोर्थ क्वेश्चन भी एज इट इज रहेगा, फिफ्थ क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूं। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर क्या है, फर्स्ट रो है ए मैट्रिक्स है 2x3 1 5x4, ए मैट्रिक्स है भाई 2x3 1 5x4, 2x3 1 5x3, 5x3 दिया हुआ है। सेकेंड रो है 1x3 2x3 4x3, 1x3। थर्ड रो है 7x3 2 और 2x3। फर्स्ट मैट्रिक्स ए दी हुई है, मैट्रिक्स बी दी हुई है अभी हमें 2x5 3x5 1 2x5 3x5 और 1, फर्स्ट रो है, सेकंड रो है 1x5 2x5 4x5, थर्ड रो है 7x5 6x5 और 2x5। ये कहता है अभी हमें कंप्यूट द 3a-5b, ये कंप्यूट कीजिए 3a-5b। तो 3 a मैट्रिक्स लेते हैं 2x3 1 5x3 1x3 2x3 4x3 7x3 2 2x3, -5 b लिख लेते हैं भाई 2x5 3x5 1 1x5 है भैया 1x5 2x5 4x5 7x5 6x5 और 2x5। करते हैं अभी प्रोडक्ट करते हैं इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन की, जब इसकी इसके साथ प्रोडक्ट होगी तो 2 3 और 5, 3 नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा अभी जो मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ करेंगे 1 2 4, 7 3 2 6 और 3 2 नहीं, यहां पर आएगा 2 सिर्फ, माइनस के प्लेस पर प्लस हो जाएगा, अंदर लेके जाते हैं माइनस को, -2 आएगा, -3 आएगा, -5 आएगा, इसके साथ लिखते हैं तो -1 -2 -4, इसके साथ लिखते हैं -7 -6 -2। अब ऐड कर लेते हैं हम इसको, हम 2 -2 3 -3 5 -5, 1 -1 2 -2 4 -4, 7 -7 6 -6 और 2 -2। तो सारे के सारे एलिमेंट क्या जाते हैं, 0 0 0 0 0 0 0 0। तो ये क्या लिखी जाएगी, एक
जीरो मैट्रिक्स, क्या लिखी जाएगी भी जीरो मैट्रिक्स, आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ, आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ। क्या कहता है भी क्वेश्चन नंबर सिक्स के अंदर, सिंपलीफाई कॉस थीटा, सिंपलीफाई कॉस थीटा, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा साइन थीटा, फर्स्ट रो दिया हुआ है, कॉस थीटा साइन थीटा फर्स्ट रो दिया हुआ भी, मतलब कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, प्लस साइन थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और कॉस थीटा और साइन थीटा, सेकेंड रो है कॉस थीटा और साइन थीटा, इसको सिंप्लीफाई करना भी। देखिए ये भी स्केलर मल्टीप्लीकेशन की तरह है, इसको प्रोडक्ट करेंगे अंदर हर एक साथ, तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा, इसके साथ होगा माइनस के साइन थीटा और कॉस थीटा, जब इसके साथ प्रोडक्ट होगी तो क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस इसके इसके साथ प्रोडक्ट होती है तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा, इसके साथ होती है प्रोडक्ट साइन थीटा और कॉस थीटा, और जब इसके साथ प्रोडक्ट होती है अभी तो क्या लिखा जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। देखिए भी कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, इसकी इसके साथ प्रोडक्ट माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, ये प्रोडक्ट नहीं भी एडिशन है, प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा, इसको इसके अंदर ऐड करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इससे एक आंसर, इससे एक आंसर, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है भाई वन जीरो जीरो और वन, ये कैसी मैट्रिक्स है, एक आइडेंटी मैट्रिक्स है सेकंड ऑर्डर की, आइडेंटी मैट्रिक्स है सेकंड ऑर्डर की। तो प्यारे बच्चों ध्यान पूर्वक आपने इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना है, तो बाकी क्वेश्चन हम एक्सरसाइज के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। थैंक यू।